सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैम कुर्रन की हैट्रिक और मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत किंग्स इलेवन पंजाब ने सोमवार को मोहाली के PCA स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराकर IPL के 12वें सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। इस वीडियो में हम आपको तीनों विकेट्स का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। पंजाब की ओर से बनाए गए 166 रनों के जवाब में दिल्ली की टीम 19.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। यह पंजाब की मोहाली के मैदान पर लगातार छठी जीत है। शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 गेंद में 6 रन नहीं बना पाने के बाद सुपर ओवर में मैच जीतने की किस्मत इस बार दिल्ली का साथ नहीं दे सकी। आखिरी 6 ओवर में दिल्ली को 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी दिल्ली की किस्मत उन्हें दगा दे गई, या यूं कहें कि सैम कुर्रन की हैट्रिक ने मैच पूरी तरह से बदल दिया। सैम कुर्रन ने मैच के 18वें ओवर में दिल्ली की ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कॉलिन इंग्राम को 38 रन और हर्षल पटेल को 0 रन पे आउट कर मैच का पासा ही पलट दिया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने 19वें ओवर में हनुमा विहारी को बोल्ड कर दिया। आखिरी ओवर में कुर्रन ने दिल्ली के संदीप लामिछाने को 0 रन पर बोल्ड कर मैच जीत लिया। इससे पहले श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजों ने उनके इस फैसले को सही साबित किया और मैच के दूसरे ओवर में क्रिस मॉरिस ने किंग्स इलेवन के सलामी बल्लेबाज KL राहुल को LBW आउट कर सस्ते में निपटा दिया। राहुल ने 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए। इस हैट्रिक का पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्रिकेट और IPL संबंधी ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल CBT News को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।